दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पैसा से पैसा कमाने का नहीं है कोई सीमांत। मेरा नाम है रजनीशकांत। दोस्तों बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी में पैसे लगाकर पैसे कमाना आम लोगों के लिए सबसे आसान सबसे सुरक्षित जरिया रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी पर ब्याज दरों में लगातार कटौती कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक्सिस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है, रिवाइज्ड किया है, और जो नई दरें हैं वो 13 नवंबर 2020 से लागू हो गई हैं। कुछ जो अवधि है उसकी एफडी पर ब्याज दर सामान्य नागरिकों के मुकाबले सीनियर सिटीजन को ज़्यादा दिया जा रहा है। सामान्य नागरिक का मतलब 60 साल या उससे कम उम्र वाले निवेशक, और सीनियर सिटीजन का मतलब 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एफडी पर नई ब्याज दर क्या है एक्सिस बैंक की। तो 7 से 14 दिनों के एफडी पर सामान्य नागरिक को 2.5% और सीनियर सिटीजन को भी हर साल 2.5% ही ब्याज मिलेगा। 15 दिन से लेकर के 29 दिनों तक की एफडी पर सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन दोनों को 2.5% ब्याज मिलेगा। 30 दिनों से लेकर के 45 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन दोनों को 3-3% हर साल ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 46 दिनों से लेकर के 60 दिनों तक की एफडी पर सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन को हर साल एक्सिस बैंक 3-3% ब्याज देगा। 61 दिनों से लेकर के 3 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन दोनों को एक्सिस बैंक हर साल 3-3% का ब्याज देगा। 3 महीने से लेकर के 4 महीने तक की एफडी पर एक्सिस बैंक सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन दोनों को 3.5% ब्याज देगा। 4 महीने से लेकर के 5 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन दोनों को एक्सिस बैंक 3.5% हर साल ब्याज देगा। 5 महीने से लेकर के 6 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन दोनों को एक्सिस बैंक 3.5% ब्याज देगा। 6 महीने से लेकर के 7 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को एक्सिस बैंक हर साल जहां 4.40% ब्याज देगा, वहीं सीनियर सिटीजन को 4.65% ब्याज देगा। 7 महीने से 8 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 4.40% जबकि सीनियर सिटीजन को 4.65% ब्याज मिलेगा। 8 महीने से लेकर के 9 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 4.40% जबकि सीनियर सिटीजन को 4.65% ब्याज देगा एक्सिस बैंक हर साल। 9 महीने से लेकर के 10 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 4.40% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 4.65% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 10 महीने से लेकर के 11 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 4.40% जबकि सीनियर सिटीजन को 4.65% ब्याज देगा। 11 महीने से लेकर के 11 महीने 25 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 4.40% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 4.65% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 11 महीने 25 दिनों से लेकर के 1 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 5.15% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.40% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 1 साल से लेकर के 1 साल 5 दिनों तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.15% जबकि सीनियर सिटीजन को 5.80% ब्याज देगा एक्सिस बैंक हर साल। 1 साल 5 दिन से लेकर के 1 साल 11 दिनों तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.10% हर साल ब्याज मिलेगा जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.75% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 1 साल 11 दिनों से लेकर के 1 साल 25 दिनों तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को एक्सिस बैंक हर साल 5.10% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.75% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 1 साल 25 दिन से लेकर के 13 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.10% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.75% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 13 महीने से लेकर के 14 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.10% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.75% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 14 महीने से लेकर के 15 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.10% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.75% ब्याज मिलेगा।
15 महीने से लेकर के 16 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.10% जबकि सीनियर सिटीजन को 5.75% ब्याज मिलेगा। 16 महीने से लेकर के 17 महीने तक की एफडी पर 5.10% सामान्य नागरिक को जबकि 5.75% सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलेगा हर साल। 17 महीने से लेकर के 18 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 5.10% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.75% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 18 महीने से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 5.25%, वहीं सीनियर सिटीजन को हर साल 5.90% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 2 साल से लेकर के 30 महीने तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 5.40%, जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 6.05% ब्याज मिलेगा। 30 महीने से लेकर के 3 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5.40% हर साल जबकि सीनियर सिटीजन को 5.90% हर साल ब्याज मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं कि 2 करोड़ तक की अगर एफडी कराते हैं तब कितना ब्याज मिलेगा अलग अलग अवधि में। 3 साल से लेकर के 5 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 5.740% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 5.90% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। 5 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिक को हर साल 5.40% जबकि सीनियर सिटीजन को हर साल 6.05% ब्याज देगा एक्सिस बैंक। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो एक्सिस बैंक की वेबसाइट से ली हुई है। तो 13 नवंबर 2020 से एक्सिस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में बदलाव किया है और ये जो बदलाव है जो नया एफडी कराने जाएंगे उन पर लागू होगा या फिर जो लोग एफडी रिन्यू कराएंगे उस पर लागू होगा। तो एफडी पर ब्याज दरों में लगातार कमी हो रही है। आप एक्सिस बैंक में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं और अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग ब्याज मिलेगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।